नमस्कार, मैदानी जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद हुसैन। मिनी वर्ल्ड कप में आज होगा महामुकाबला, एक ऐसी जंग जिसका इंतजार सभी को रहता है, एक ऐसा मुकाबला जिसके रोमांच की कोई इंतहा नहीं। जी हां, आज आमने सामने होंगे भारत और पाकिस्तान। वैसे तो इस मुकाबले का टूर्नामेंट पर नहीं पड़ने वाला है कोई असर, क्योंकि भारत जहां पहले सेमीफाइनल में एंट्री कर चुका है तो पाकिस्तान हो चुका है टूर्नामेंट से आउट। लेकिन अगर आप इसे डेड रिवर समझ रहे हैं तो जरा फिर सोचिए। चाहे जैसे भी हालात हो, भारत और पाकिस्तान का मुकाबला डेड रबर हो ही नहीं सकता। आखिर क्यों कह रहे हैं हम ऐसा, दिखाएंगे आपको। बात कल हुए मुकाबले की भी करेंगे, जहां बारिश वेस्टइंडीज के लिए बन गई विलेन और साउथ अफ्रीका को दिला दिया सेमीफाइनल का टिकट। कैसे हुआ ये सब बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं मिनी वर्ल्ड कप। सबसे पहले बात आज होने वाले महामुकाबले की, जो कागज पर भले ही डेड रबर हो लेकिन क्रिकेट फैंस में इसके दीवानगी का आलम क्या है यह बताने की कोई जरूरत नहीं। जी हां, सब कुछ हार चुका पाक आज चाहेगा कि कम से कम भारत को शिकस्त देकर अपने वतन एक कंसोलेशन प्राइज के साथ जाया जाए, क्योंकि अगर आज भी हारे तो फिर वहां क्या हालात होंगे ये सभी को पता है। तो टीम इंडिया भी मिनी वर्ल्ड कप के उस भूत को मारने की कोशिश में है जो उसे हर बार डराता है। जी हां, भारत आज तक पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं हरा पाया है, लेकिन आज इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। देखिए ये रिपोर्ट। आज होगा महामुकाबला, भारत और पाकिस्तान के बीच जोरदार जंग। पाकिस्तान के पास हारने को कुछ नहीं, हिंदुस्तान के लिए नाक की लड़ाई। बैक टू बैक जीतों के साथ सेमीफाइनल में पहले ही आराम से जगह बना चुकी टीम इंडिया का सामना आज लीग के आखिरी मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ होगा, जो पहले ही अपने दोनों मुकाबले हारकर घर वापसी के लिए पैकिंग स्टार्ट कर चुकी है। मतलब आज का मुकाबला टूर्नामेंट के लिहाज से डेड रबर है। लेकिन जरा रुकिए, ये कोई साधारण मुकाबला नहीं है, ये है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग। जब ये दोनों देश किसी भी खेल में होते हैं आमने सामने तो दुनिया थम जाती है। और फिर ये तो है क्रिकेट का खेल, जो इन दोनों देशों में किसी धर्म की तरह दर्जा रखता है। लिहाजा इस मुकाबले के नतीजे से भले ही टूर्नामेंट या फिर इस ग्रुप की टीमों पर कोई असर ना पड़े, लेकिन जीतने के लिए ये दोनों देश एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे और फैंस इनके हर एक शॉट्स और विकेटों पर तालियों की झड़ी। अब तक विजय रथ पर सवार टीम इंडिया की नजर इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल में बिना किसी टेंशन के पहुंचने की है, जो धोनी भी चाहते हैं। I don't think the Indian team has ever played a game that's literally a dead game, you know. So I think, you know, whenever we turn up on the field, we are expected to win. So I think it's also important for us to improve in the areas that we want to improve. Still quite a bit of concern, you know, when it comes to the perfect game. So I think it's another opportunity before the playoffs. और इसके लिए एक बार फिर सभी को उम्मीद होगी दो लगातार शतक जमाने वाले टीम इंडिया के नए दबंग रॉडी शिखर से, दूसरा लगातार शतक जिनका बल्ला पूरे शबाब पर है। और आज वो चाहेंगे पाक के खिलाफ एक शतक लगाकर शतकों की हैट्रिक लगाना। और अगर ऐसा हो गया तो फिर समझो पाकिस्तानी टीम का भी हो जाएगा चिंता ताता। सिर्फ शिखर ही नहीं, टीम के दूसरे बल्लेबाज भी जबरदस्त रंग में दिखाई दे रहे हैं। फिर चाहे शिखर के ओपनिंग पार्टनर रनरेज रोहित शर्मा हो, दनादन रन बनाने में माहिर कार्तिक, या फिर सभी के चहेते कप्तान धोनी से लेकर फिनिशर जाडेजा तक पाक की मटिया पलीत करने के पूरे मूड में हैं। ऐसा ही हाल टीम इंडिया के गेंदबाजों का भी है, जिसमें ईशांत, उमेश और भुवनेश्वर की तेज तिड़की है तो अश्विन और जाडेजा के तौर पर फिरकी स्पेशलिस्ट की जोड़ी, जो मिसबा के मतवालों को बखूबी नचाना जानते हैं। तो बस आप भी हो जाइए तैयार एक ऐसी जंग के लिए
जो भले ही कागज पर लग रही हो नीरस, लेकिन मुकाबला होगा ऐसा जो हाई वोल्टेज ड्रामे को भी कर देगा फीका। सैद हुसैन, स्पोर्ट्स डेस्क, आर्यन। जी हाँ, भले ही मुकाबला कागज पर डेड रबर लग रहा हो, लेकिन जब मैदान पर ये दोनों देश उतरेंगे तो जबरदस्त जंग होगी। और जब टीम इंडिया उतरेगी तो कौन सी वो 11 होंगे उस पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि उम्मीद नहीं है कि कुछ चेंजेस इस प्लेइंग 11 में होगा। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पर अगर नजर डाला जाए जिसमें शायद ही कोई परिवर्तन हो, इसकी संभावना बेहद कम। शिखर धवन सबसे ज्यादा उम्मीद होगी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये तीन बल्लेबाज जो पाकिस्तान के नाक में दम कर सकते हैं। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर में दिनेश कार्तिक, सुरेश रैना, धोनी। रैना को छोड़ दें तो ये 6 में से 5 बल्लेबाज जबरदस्त फॉर्म में। रविंद्र जाडेजा गेंद और बल्ले दोनों से कमाल कर रहे हैं। अश्विन भी जबरदस्त लय में, भुवनेश्वर कुमार। ये टीम इंडिया की प्लेइंग 11, चेंजेस की कोई उम्मीद कम ही दिखाई दे रही है। शिखर धवन, रोहित शर्मा से सबसे ज्यादा उम्मीदें, विराट कोहली, ये वो चेहरा जो जबरदस्त फॉर्म में, ये तीन चेहरे बेहतरीन लय में अभी तक दिखाई दे रहे हैं। दिनेश कार्तिक भी पूरे तरीके से रंग में अभी तक नजर आए हैं। तो तेज गेंदबाज उमेश यादव और ईशांत शर्मा की जोड़ी से भी सभी को उम्मीदें रहेंगी। ये दोनों तेज गेंदबाजों का अगर दिन रहा तो फिर पाकिस्तान की खैर नहीं। चलिए अब सुनाते हैं आपको मैच से ठीक पहले भारत के स्टार बन चुके ऑलराउंडर रविंद्र जाडेजा ने क्या नसीहत दी। मैं ये दो मैच खेले, पहले दो मैच वही हमारा स्ट्रेटेजिक रहेगा कि हमने जो भी ये मैच में अच्छा किया बस सेम वही परफॉर्मेंस हमारे बैट्समैन रन कर रहे, बॉलर विकेट ले रहे। और अच्छी बात ये है कि फील्डिंग हमारी अच्छी है, कि सभी प्लेयर अच्छा फील्डिंग, किसी को हम ऐसा नहीं है कि कोई फील्डर को छुपाना पड़ता है, सभी फील्डर अच्छे हैं, सभी को हम अच्छा एक दूसरे को बैक करते हैं, तो अच्छा फील्डिंग भी इम्प्रूव हो रहा है। तो बस यही कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के साथ गेम है तो बस हम नॉर्मल सोच, हमारा नॉर्मल, हम ऐसे ही सोचेंगे कि नॉर्मल गेम है, कोई इतना खास प्लानिंग नहीं करेंगे कि ये करेंगे वो करेंगे, बस जैसे जैसे सिचुएशन आएगा उस हिसाब से खेलते जाएंगे। तो बड़े पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, जैसे जैसे सिचुएशन आएगा वैसा ही खेलते रहेंगे, कुछ ये कुछ वो अलग से नहीं करना है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि टीम इंडिया के वो बल्लेबाज और गेंदबाज कौन कौन से हैं जिनसे आज सभी को उम्मीदें रहेंगी। जी हाँ, शिखर धवन से सबसे ज्यादा उम्मीद, क्योंकि आज हारना मना है। 7 मैचों में 285 रन शिखर धवन बना चुके हैं, बेस्ट 114, 1 अर्धशतक और 2 शतक, और ये दोनों शतक पिछली 2 पारियों में आया है। शिखर धवन के अलावा रोहित शर्मा की अगर बात की जाए तो 90 मैच में रोहित शर्मा के नाम 2182 रन, बेस्ट 114, 15 अर्धशतक और 2 शतक रोहित शर्मा लगा चुके हैं। विराट कोहली भी जबरदस्त लय में दिखाई दे रहे हैं, 100 मैच खेल चुके हैं, 4107 रन, 22 अर्धशतक 13 शतक, बेस्ट 183 का जो पाकिस्तान के खिलाफ ही बनाया था विराट कोहली ने। उम्मीद होगी कि आज उसको पीछे छोड़ें और एक नया इतिहास रचें। दिनेश कार्तिक की अगर बात की जाए, 54 मैचों में 1073 रन, बेस्ट 79, 6 अर्धशतक लगा चुके हैं, पिछले मैच में 1 अर्धशतक उन्होंने और लगाया, यानी जबरदस्त रंग में दिखाई दे रहे हैं दिनेश कार्तिक। कार्तिक के अलावा सुरेश रैना, आंकड़े जबरदस्त, 161 मैच में 4077 रन, 116 नॉट आउट, बेस्ट 28 अर्धशतक 3 शतक, लेकिन सुरेश रैना चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने निराश किया है। धोनी 221 मैचों में 7286 रन, बेस्ट 183 नॉट आउट, 48 अर्धशतक 8 शतक, जितनी भी तारीफ की जाए धोनी के आंकड़ों की कम। वहीं गेंदबाजों में अगर नजर डाली जाए तो पहला नाम ईशांत शर्मा का, 57 मैचों में 79 विकेट, 38/4 बेस्ट, और इकोनॉमी रेट 5.59 का। तो ये कुछ खिलाड़ी जिनसे आज सभी को उम्मीदें होंगी। उमेश यादव 19 मैच में 21 विकेट, बेस्ट 38/3, इकोनॉमी रेट 6.32। तो ये वो खिलाड़ी जिनसे सबको रहेगी उम्मीद। भुवनेश्वर कुमार 10 मैच में 12 विकेट, टीम इंडिया के नए स्विंग के सुल्तान कहा जा रहा है भुवनेश्वर कुमार को। वहीं बात अगर फिरकी डिपार्टमेंट की जाए तो पहला नाम अश्विन का, 50 मैचों में 67 विकेट, 24/3 बेस्ट, इकोनॉमी रेट 4.80, और अश्विन का शानदार साथ निभाते नजर आएंगे रविंद्र जाडेजा, जिन्होंने पिछले मैच में ही अपना बेस्ट किया है, 67 मैचों में 77 विकेट, 36/5 बेस्ट, जो पिछले मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ, इकोनॉमी रेट 4.73, लाजवाब खिलाड़ी। तो ये बात हुई टीम इंडिया के खिलाड़ियों की। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों का क्या कहता है आंकड़ा। इमरान फरहत, इनसे होशियार रहना होगा, 58 मैचों में 1719 रन, बेस्ट 107,
13 अर्धशतक और एक शतक लगा चुके हैं इमरान फरहत। इमरान फरहत के अलावा दूसरे सलामी बल्लेबाज नासिर जमशेद भारत के खिलाफ जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं, 3 शतक और 3 शतक ये भारत के खिलाफ ही लगाया है इन्होंने। 30 मैचों में 1132 रन, बेस्ट 112। जब पाकिस्तान भारत आई थी तो मैन ऑफ द सीरीज रहे थे नासिर जमशेद, तो इनसे बचना होगा। मोहम्मद हफीज भी खतरनाक खिलाड़ी, 120 मैचों में 3163 रन, बेस्ट 139 नॉट आउट। लाजवाब प्लेयर हैं हफीज। और कप्तान मिसबा जो जबरदस्त फॉर्म में है इस चैंपियंस ट्रॉफी में, 119 मैच में 3537 रन, बेस्ट 96 नॉट आउट, 25 अर्धशतक लगा चुके हैं मिसबा उल हक। इसके अलावा शोएब मलिक 215 मैच में 5473 रन, बेस्ट 143, 31 अर्धशतक और 7 शतक। ये कुछ खिलाड़ी पाकिस्तान के जिनसे होशियार रहने की जरूरत होगी। कामरान अकमल से भी होशियार रहना होगा, 153 मैचों में 3147 रन, बेस्ट 124, 10 अर्धशतक लगा चुके हैं कामरान अकमल। वहीं गेंदबाजों की बात की जाए तो मिस्ट्री बॉलर सईद अजमल, दुनिया के नंबर 1 फिरकी गेंदबाज, इनसे भारत को बचना होगा, 83 मैच में 131 विकेट। सईद अजमल के अलावा तेज गेंदबाज 7 फुट से ज्यादा लंबे मोहम्मद इरफान से भी बचना होगा, 13 मुकाबलों में 20 विकेट, 33/4 बेस्ट। वहीं जुनैद खान की बात की जाए तो पाकिस्तानियों को इन पे सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, 26 मैच में 40 विकेट 12/4 बेस्ट, इकोनॉमी रेट 4.90। वहाब रियाज की अगर बात की जाए तो 31 मैच में 45 विकेट बेस्ट 5/46, इकोनॉमी रेट 5.58। चलिए तो ये कुछ खिलाड़ी जिनसे उम्मीदें रहेंगी और उम्मीद होगी कि भारत आज इतिहास को बदलेगा। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।